गुड मॉर्निंग बच्चों, सब घर में सुरक्षित हैं? हाँ, सब ठीक है। चलो देखो, आप सभी अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, है ना। अब मैं आपको जो है, देखो मैंने आपको जो है व्याकरण में मैंने 6 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए। पहला था भाषण व्याकरण, दूसरा वर्ण विचार, तीसरा शब्द विचार, चौथा संज्ञा, पांचवा वचन, छठा लिंग और सातवां कौन सा पढ़ने जा रहे हैं आज? सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम? सर्वनाम। तो 6 चैप्टर आपके बच्चों व्याकरण में कंप्लीट हो गए। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 7, सर्वनाम। ठीक है, तो बच्चों सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जैसे हम संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा जैसे शब्द होते हैं, जैसे है ना, जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। लेकिन सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि सुनीता खेल रही है, सुनीता है ना, मैंने नाम लिया, लेकिन मैं कहूँ सुनीता की जगह मैं कहती हूँ यह खेल रही है, तो सुनीता की जगह मैंने क्या कहा? यह भी कह सकती हूँ, वह भी कह सकती हूँ। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कमला खेल रही है, सुनीता पढ़ रही है, मोहन भाग रहा है, इनकी जगह मैं ये कह दूं कि वह भाग रहा है ना, यह खेल रहा है या यह खेल रही है। तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम, कुछ, कौन, क्या, बहुत सारे हैं। तो मैंने यहाँ कुछ जो उदाहरण लिखे हैं, यह, वह, मैं, कोई, कुछ आदि। ठीक है बच्चों, सर्वनाम शब्दों, सर्वनाम जो है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा होता है बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निज, निज का मतलब स्वयं का, खुद का, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। यानी सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है सुनने वाला, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वापस से देखिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 बताए गए भेद। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? बोलने वाला। मध्यम में आता है सुनने वाला और अन्य में आता है अन्य व्यक्ति के लिए। यानी उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं और जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें हम जो है मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य जो पुरुषवाचक में आता है, जो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में किया जाता है उन्हें जो है कौन सा कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो सबसे पहले मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई, फिर आपको छह वेद बताए और उन छह वेदों में सबसे पहला वेद पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द बोलने वाले सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो प्रयोग में किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चों। और इनमें भी तीन भेद होते हैं। उनमें भी कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष, है ना। तो पहले वाला उत्तम पुरुष में क्या आएगा? उत्तम पुरुष में बोलने वाले का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाला करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य क्या क्या जो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में किया जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बच्चे दूसरा आता है निज। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है निज यानी स्वयं का, खुद का, है ना। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, यानी मैंने खाना खाया, मैं खुद काम करूंगी, मैं खुद घूमने जाऊंगी, है ना, तो ये स्वयं के लिए है ना। मैं स्वयं खाना बनाऊंगी, मैं स्वयं स्कूल जाऊंगी, मैं स्वयं कार चलाऊंगी, तो मैंने खुद के लिए स्वयं के लिए किया, तो उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना बच्चों। जैसे स्वयं, खुद आदि, ठीक है। अब आता है एक निश्चय। निश्चय का मतलब कि फिक्स है, कि ये पक्की बात है कि पिताजी आज आएंगे, पिताजी मिठाई लाएंगे। पक्की बात है कि पिताजी मिठाई लाएंगे, आज हम घूमने जाएंगे, है ना, पक्का है। तो निश्चय में होता है पक्की बातों, निश्चय। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु आदि के लिए किया जाता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु आदि के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे यह पेंसिल तुम्हारी है ना, वह घोड़ा तुम्हारा है ना। जैसे ये कह दे तो इसको क्या आएगा? पक्की बात है कि तुम्हारा ही है ना, इसको कहेंगे निश्चयवाचक। उसी प्रकार आ जाता बच्चों अनिश्चयवाचक। जहाँ निश्चय है वहाँ निश्चित बात है, यानी जिसका प्रयोग निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। लेकिन जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपन कहते कोई आया है, कोई आया है। अपन ऐसे कहते मम्मी बाहर कोई आया है। अब कौन आया है? भीख मांगने वाला आया है, पैसे देने वाला आया है, डाकिया आया है, मैडम आई है ना, कोई भी आया है। तो हमको कोई निश्चय नहीं है। हम कह दें, एक बच्चा कोई भी कहता है कि कोई आया है, कोई काम कर रहा है, तो हमें ये निश्चय नहीं है कि कौन है वो, तो उससे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चों। एक आता है संबंध। बच्चे एक शब्द से एक का दूसरे के साथ संबंध होता है उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। तो देखिए, जैसे मैं कहूँ जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा पढ़ोगे तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। संबंध, हर चीज़ से एक संबंध। देखिए वे सर्वनाम शब्द जिनका संबंध एक दूसरे के साथ होता है, एक दूसरे के साथ होता है, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि जो है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे कह दूं जो बाहर खेल रहा था या जो बाहर खेल रही थी वह मेरी बहन है, जो बाहर पढ़ रहा था वो मेरा भाई है, भाई था, है ना, जो बाहर खड़े हैं वो मेरे पिता हैं। तो मैंने क्या बताया? संबंध बताया, ठीक है। तो वापस से देखिए, वे सर्वनाम शब्द जिनका संबंध एक दूसरे के साथ होता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ भी कह दो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, बाहर जो है, बाहर जो खड़ी है
वो मेरी अध्यापिका है ना, दूर जो खड़े हैं वो मेरे पापा हैं, ठीक है। तो हमने संबंध बताया, ठीक है। एक आता लास्ट का प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या आता बच्चों? प्रश्न, कि मैं कहूँ प्रश्न, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खाते हो, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ये सारे मैंने आपसे प्रश्न किए बच्चों, तो इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे मैं कहूँ तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खाते हो, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कितने वर्ष के हो, तो ये सारे मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, है ना। और यह है, जैसे यह कहूँ यह किताब कहाँ मिलेगी, यह किताब कहाँ पड़ी है, मेरा बैग कहाँ रखा है, ये सारे मैंने आपसे प्रश्न किए। जैसे खाना किसने बनाया, ठीक है, ये सारे मैंने प्रश्न किए, तो इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे, कब, है ना। आपने दसवीं कक्षा कब पास की, ठीक है। आप स्कूल कब जाते हैं, है ना। आप कौन से स्कूल जाते हैं, है ना। आपका स्कूल कहाँ है, तो ये सारे प्रश्न हैं। तो मैंने आज आपको क्या बताया, सर्वनाम, ठीक है। सबसे पहले एक बार फिर देखेंगे कि सर्वनाम क्या कहते, सर्वनाम यानी इनसे प्रश्न भी बन रहे हैं कि सर्वनाम किससे कहते हैं, या सर्वनाम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो सर्वनाम किससे कहेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह, वह, तुम, मैं, कौन, किसका, कब, कैसे आदि, ठीक है। फिर आते हैं सर्वनाम के भेद। बच्चे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चों। तो ये सर्वनाम के भेद। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। एक होता उत्तम पुरुष, एक होता मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष, ठीक है बच्चों। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 3 हो गए। उत्तम पुरुष में किसका प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष में बोलने वाले, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें हम जो है मध्यम पुरुष कहते हैं। और जिन शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है निज, जैसे कि अर्थ पता है, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है निश्चय, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है, यह किताब मेरी है ना, यह चौक मेरा है, यह ब्लैक बोर्ड मेरा है ना, ये पेंसिल मेरी है, मैंने मेरे लिए कहा है ना, मैं खुद खाना बनाऊंगी, मैं खुद खाना खाऊंगी, मैं खुद शरबत पीऊंगी, है ना, तो ये सारा मैंने स्वयं के लिए कहा, मैं खुद किताब लिखूंगी, मैं खुद प्रश्न लिखूंगी, ये सारा मैंने स्वयं के लिए किया, इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द, जो जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है स्वयं के लिए करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है वो ये, जैसे निश्चित कि यह सब मेरा है, ठीक है ये। अब आ जाता है अनिश्चय, यानी जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी निश्चित अनिश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। एक आता संबंधवाचक, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी एक दूसरे के साथ होता है संबंध, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिनका संबंध एक दूसरे के साथ होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि मैं कहूँ जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी बनी, जो बोएगा वो पाएगा, है ना। अच्छा,
और उसके बाद आता है एक प्रश्नवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये सर्वनाम बताए, सर्वनाम के भेद बताए, फिर सर्वनाम के भेदों की परिभाषा बताई। अब जो आपके बहुत सारे इसमें प्रश्न बनते हैं, इसको मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, और आपको जो प्रश्न उत्तर दें इसके वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूंगी, है ना। ठीक है बच्चों, तो आप जो इसको अब क्या करोगे, व्याकरण की कॉपी में जब हम अभी आपके बच्चे टेस्ट चल रहे हैं ना, टेस्ट चले तब आप ये बाद में कर लेना अपना वर्क। तो ये सर्वनाम व्याकरण की कॉपी पहले लिखोगे सर्वनाम, और फिर इसके बारे में सारा लिखोगे। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है, तो आप सब खुश रहिए, अच्छे अच्छा पढ़िए, है ना, याद करिए, अच्छे बच्चे बनिए। ओके बेटा, थैंक यू।